सो गाइस कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप सभी अच्छे होंगे, आप ही अच्छे होंगे। दोस्त आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपने ट्रेन का टिकट बुक किया है और आपको सीट भी मिल चुकी है तो जिस कोच में जिस डब्बे में आपको सीट मिली है तो स्टेशन में वो डब्बा कहाँ पे आएगा और कितने नंबर पे आएगा और जो है आपका डब्बा इंजन से बिल्कुल करीब करीब है या पीछे में है। अगर बड़ा स्टेशन रहता है तो वहां पे जो है ना ऊपर में बता दिया जाता है कि फला डब्बा फला जगह पे आने वाला है, लेकिन जो छोटा स्टेशन रहता है वहां पे बताया नहीं जाता है। तो क्या होता है कि जिसको पता नहीं रहता है कि मेरा डब्बा कहाँ पे आने वाला है तो जब ट्रेन आती है तो क्या है कि कभी उनका डब्बा जो है जहाँ पे वो खड़ा रहता है तो कभी डब्बा जो है आगे निकल जाती है या कभी जो है डब्बा पीछे में रहता है, फिर बाद में उनको दौड़ना पड़ता है। और छोटा स्टेशन रहता है तो वहां पे ट्रेन ज्यादा देर रुकती भी नहीं है और उनको जो है दौड़ना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ जाती है। लेकिन दोस्त अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको जो है किसी भी स्टेशन में दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप आसानी से जो है अपने मोबाइल से घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आपका डब्बा जो है किस जगह पे आने वाला है, कितने नंबर पे आने वाला है, पीछे में आएगा या इंजन के बिल्कुल जस्ट करीब करीब आएगा। तो गाइस ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखते रहिए। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्त आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस आपको जिस भी ट्रेन का पता लगाना हो कि डब्बा जो है स्टेशन पे किस जगह पे आएगा तो सिंपली आपको क्या करना है पता लगाने के लिए, अपने मोबाइल के अंदर गूगल को ओपन कर लीजिए, ठीक है, या गूगल क्रोम को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पे उस गाड़ी का नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 27 91, ठीक है, ये देखिए मैंने लिख दिया है। उसके बाद में आपको लिखना है ट्रेन कोच पोजीशन। ये लिखने के बाद में आप सर्च कर लेंगे, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सर्च कर लिया है। अब देखिए सबसे पहले में जो ये लिंक है आपका गाड़ी नंबर है तो यहाँ पे आप एक बार क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद में गाइस अब जो है आपको यहाँ पे हर चीज़ दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिकंदराबाद, यानी ये ट्रेन जो है सिकंदराबाद से दानापुर आती है। तो आपका टिकट जिस स्टेशन से हो तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे फिर सारे स्टेशन जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका टिकट जिस स्टेशन से हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से सिकंदराबाद ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको क्या करना है कि सबसे नीचे में आना है। नीचे आने के बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14, यानी इस ट्रेन में जो है पूरे 14 डब्बे हैं। अब देखिए आपका डब्बा कहाँ पे आने वाला है तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि सबसे पहले आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि आपका सीट जो है वो किस डब्बे में है। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है D1, S1, S2, S3, S4, S5, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपका सीट जिस डब्बे में हो तो सिंपली आपको क्या करना है वो देखना है। जैसे कि समझो मेरा सीट है S7 में, तो देखिए S7 के बाजू में लिखा हुआ है 9, यानी जो है इंजन को छोड़ के आपका डब्बा जो आने वाला है वो 9 नंबर पे आने वाला है। यानी इंजन से जो है इंजन को छोड़ के आपका डब्बा जो है वो 9वें नंबर पे आएगा। तो जिस भी डब्बे में आपका सीट हो तो यहीं पे देखना है कि जैसे कि देखिए S9 में मेरा सीट है तो उसके बाजू में लिखा हुआ 11, यानी 11वें नंबर पे आपका जो है डब्बा वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप पता लगा सकते हैं कि आपका डब्बा किस जगह पे है, कितने नंबर पे है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। तो चलिए दोस्त बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।